नमस्कार, आप देख रहे परमार्थ आवाज। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की खुली पोल। लाभार्थी से शहाबुद्दीन नामक व्यक्ति ने ली रिश्वत। खबर बाराबंकी जिले के कस्बा जैतपुर का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों को दिए जाने वाले आवासों में जमकर हो रही है भ्रष्टाचार। सोशल मीडिया पर लाभार्थी को आवास की किस्त दिलाए जाने के लिए कई हजार रुपए की मांग का ऑडियो वायरल हो रहा है। देश में गरीबों के पास भी उनकी अपनी छत हो, इस मकसद से प्रधानमंत्री आवास योजना का संकल्प लिया गया। गरीब लाभार्थियों को घर की सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रशासन स्तर पर बजट भेजा गया, ताकि बनाई गई रूपरेखा के आधार पर लोगों को धन मुहैया कराया जाए। लेकिन भ्रष्टाचार के चलते योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही है। नगर पंचायत जैतपुर की अध्यक्ष साहेब के खास शहाबुद्दीन सिद्दीकी ने वसूली की है, यह बात लाभार्थी खुद कह रहे हैं। मामला जब नगर पंचायत के बहुचर्चित सभासद अबू सुफियान के पास गया तो चर्चा का विषय बन गया। बाराबंकी से ब्यूरो चीफ मोहम्मद जुबैर की रिपोर्ट। फोटोकॉपी और बैंक की फोटोकॉपी दे दो, दोबारा दे दिया हमने। जो पहले जो था तो उन्होंने कहा कि दोबारा नहीं होगा, ये हमने दोबारा दिया, दोबारा भी नहीं आया, तो हम इसलिए आप 15 तारीख का था तो हमने आया। आपने भी शहाबुद्दीन के यहाँ फॉर्म डाला? और आपने ने, हमने फॉर्म दिया था। रहती हैं आप? मैं भी कटरा। क्या नाम है आपका? नफीसा बानो। अच्छा, कॉलोनी का फॉर्म कब डाला था आपने? 6 महीना हो गया। 6 महीने हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं आया? नहीं। अच्छा, तो कुछ पैसे से भी लिए थे? पैसा दिया था, शहाबुद्दीन बेजान के सामने हमने दिया था। अच्छा, उनके दुकान पे गए थे या वो घर पे अकेले? दुकान पे। अच्छा, शहाबुद्दीन जी। अच्छा, वो बैठे रहे अधिकार वाले। ठीक 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 है। यही कदीम। नाम क्या है आपका? जीना। जीना, अच्छा, आपके लिए पैसे वैसे के लिए किसी ने कहा था कॉलोनी के लिए? मैं कह रहा कि पैसे तुम्हारे आ जाए हैं, शहाबुद्दीन कह रहा। अच्छा, कितने पैसे लिए? 1500 दिन ना। 1500 रुपए लिए ने? अभी तक कॉलोनी नहीं है, सबकी आज हमारे नहीं आई। कितने दिन हो गए? आज 5-6 महीना होगा। 5-6 महीने। ठीक है, पैसा आएगा आपका। ठीक।